गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म. दिस इज़ लास्ट लेक्चर फॉर ओपन चैनल फ्लो. अभी तक हम लोगों ने 21 लेक्चर्स कवर किया हुआ है और 21 लेक्चर्स में हम लोगों ने डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड और इसके बाद ओपन चैनल फ्लो हम लोग कर रहे थे. और आज ओपन चैनल फ्लो का लास्ट टॉपिक है, विच इज़ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो. सो आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के बारे में. इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल के बारे में. इसके बाद लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाइड्रोलिक जंप के बारे में. हाइड्रोलिक जंप के डिफरेंट डेराइवेशंस को हम लोगों ने देखा था, एनर्जी लॉसेस को देखा था. इसके बाद हम लोगों ने डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप के लिए डेराइवेशन किया था और इसके बाद हम लोगों ने इस पर न्यूमेरिकल किया था. तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के बारे में और इसके ऊपर जो डेराइवेशन है इसको हम लोग कवर करेंगे. तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज़ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, किसी फ्लो को कब हम लोग बोलते हैं कि ये फ्लो ग्रेजुअली वेरिड है या रैपिडली वेरिड फ्लो है या यूनिफॉर्म फ्लो है, इसको हम लोग कब बोलते हैं. तो अगर इसके लिए आप लोगों ने अभी तक पिछले वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप पिछले वाले लेक्चर को देखिए, वहाँ पे आपको फ्लो की क्लासिफिकेशन आपको मिल जाएगी. मैं उसका जो लिंक है उस ऊपर आप आई के बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं या आप इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं. और अगर आप चैनल पे रेगुलर हैं तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि हम लोगों ने ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के बारे में डिस्कशन कर लिया है कि व्हाट इज़ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, किस फ्लो को हम लोग ग्रेजुअली वेरिड फ्लो बोलते हैं. फिर भी अगर हम लोग एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन लें, या इंट्रोडक्शन आप नहीं कह सकते, अगर हम लोग इसको कहें कि एक बार छोटा सा रिविज़न लें हम लोग, तो हम लोगों ने क्या कहा था कि बेड अगर हमारे पास अवेलेबल है और इस बेड पे अगर मैंने किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया, यानी कि मैं यहाँ पे कोई डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया और वाटर की फ़्लो हो रही है, रेगुलर वाटर इधर से फ्लो हो रहा है, रेगुलर वाटर इधर से फ्लो हो के आ रहा है, और ये वाटर का फ्लो जो है हाइट थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है और ये फिर सडन एक बॉटम डेप्थ को रीच करता है और फिर ये हाइट इस तरीके से मेंटेन हो जाता है. तो हम लोगों ने कहा था कि जब फ्लो यूनिफॉर्म है, इन दैट केस चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन हाइट, वी कैन से चेंज इन डेप्थ ऑफ द फ्लूइड, वो क्या होगी, वो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कांस्टेंट होगी. और जब ये धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है तो हम लोग इसको किस में काउंट करते हैं, इसको हम लोग ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में काउंट करते हैं. और जब आप देखते हो कि सडन एक वाटर क्या होता है, वाटर एक सडन लीस्ट डेप्थ को रीच करता है जिसको हम लोग सुपर क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं, और वहाँ से फिर हम लोगों को एक सडन जो है राइज मिलता है वाटर के हाइट में. तो इसके ऊपर हम लोगों ने डेराइवेशन किया हुआ है लास्ट क्लास में, जिसको हम लोगों ने हाइड्रोलिक जंप कहा, डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप. इसके बाद अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने एनर्जी लॉस, हम लोगों ने फ्रॉड नंबर के टर्म्स में डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया. तो आज के क्लास में मुझे पढ़ना है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के बारे में. हम लोग जब बोलते हैं कि कोई फ्लो ग्रेजुअली वेरिड है, या आप ये बोलते हो कि कोई फ्लो वेरिड फ्लो है, तो आप इसको कैसे डिफाइन करते हो. अगर आप कहीं पे, एक मैं जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर आप कहीं पे देखते हो कि कोई रिवर फ्लो कर रही है ना, मैं एक रिवर का एग्जाम्पल लेता हूँ, ज़्यादा आसान होगा समझने में. अगर मैं बोलता हूँ कि एक बेड है और इसके ऊपर एक रिवर इस तरीके से फ्लो हो रहा है रिवर के वाटर में, तो आप ये बहुत आसानी से जज कर लेते हो कि कहीं पे अगर कोई डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है तो वाटर एक हाई वेलोसिटी से नीचे आएगा और फिर यहाँ पे एक हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होगा. ये आप लोग देखने के साथ आपको पता हो जाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोलिक जंप एग्जिस्ट कर रहा है. बट व्हाट अबाउट यूनिफॉर्म फ्लो और ग्रेजुअली वेरिड फ्लो? चूँकि जब मैं बोलता हूँ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, तो आप ये देखते हो कि एक लंबे हाइट चैनल के लेंथ में, जो अगर मैं चैनल का एक लंबा सा लेंथ लूँ, तो उसमें हाइट में जो इंक्रीमेंट होता है वो कुछ मिनिमम सा होता है, जो हम लोग ऐसे देख नहीं सकते, जस्ट विदाउट मेजरमेंट, विदाउट एनालिसिस हम लोग ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे आइदर दिस फ्लो इज़ यूनिफॉर्म और दिस फ्लो इज़ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, जब तक कि इसका एक्सटेंट कुछ ज़्यादा नहीं होता है. कुछ ज़्यादा एक्सटेंट में ये ग्रेजुअली वेरिड फ्लो एग्जिस्ट नहीं करता है. वी कैन नॉट से डैट आइदर माई फ्लो इज़ ग्रेजुअली वेरिड और इट इज़ यूनिफॉर्म. तो आज हम लोग इसके लिए एक डेराइवेशन करने वाले हैं, एंड बाई यूजिंग दैट डेराइवेशन वी कैन कैलकुलेट एंड वी कैन एनालाइज द टाइप्स ऑफ फ्लो.
वेदर इट इज ग्रेजुअली वैरिड और वेदर इट इज यूनिफॉर्म। तो आज इसके बारे में बात हम लोग करने वाले हैं। तो जब आप इसके बारे में बात करोगे तो सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होगी, ऑब्वियसली हम लोगों को ज़रूरत होगी कुछ अजम्पशंस की। अब ये अजम्पशंस क्या होता है, चूँकि जब हम लोग किसी भी डेराइवेशन में जाते हैं, किसी भी डेराइवेशन के कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो मैं अगर आपको एनालिटिकल मेथड और प्रैक्टिकल मेथड में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बताऊँ तो आप ये समझ सकते हो कि जब हम लोग किसी प्रैक्टिकल मेथड से किसी इक्वेशन को डेराइव करते हैं या कोई फॉर्मूला वहाँ से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, इन दैट मेथड द अजम्पशंस इज नॉट बेसिकली मेड। वहाँ पे क्या होता है, हम लोग प्रैक्टिकल कंडीशन पे फॉर्मूला डेराइव करते हैं, बट जब हम लोग कहीं पे एनालिटिकल फॉर्मूला निकालते हैं जहाँ पे हम लोग कुछ डेराइव करते हैं तो हम लोगों को कुछ अजम्पशंस करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप अजम्पशंस नहीं करोगे वहाँ पे तो जो आपको जो कैलकुलेशन है वो इतना आसान सा नहीं होगा और आप इसको इजीली डेराइव नहीं कर पाओगे। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स को हम लोगों को इग्नोर करना पड़ता है एंड दैट इग्नोरेंस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स फॉर डेराइविंग अ पर्टिकुलर फॉर्मूला वी बेसिकली काउंट इट एज अजम्पशन। तो आप यहाँ पे कुछ अजम्पशन है उसको सबसे पहले देखोगे। तो हम लोग वन बाई वन सारे अजम्पशन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट अजम्पशन इज वॉट, बेड स्लोप ऑफ द चैनल इज स्मॉल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्लोप मिल रहा है ना, स्लोप बेड स्लोप जिसके ऊपर वाटर फ्लो कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। उसकी वैल्यू हम लोग कैसे मेजर करते हैं, उसकी वैल्यू हम लोग आई के टर्म में मेजर करते हैं या हम लोग दूसरा वन इन एक्स इस टर्म में मेजर करते हैं। वन इन एक्स मतलब वन इन 4000, वन इन 5000 इस टर्म में हम लोग मेजर करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने न्यूमेरिकल में पहले ही हम लोगों ने देखा हुआ है। आगे बात करते हैं अगर हम लोग की, और नेक्स्ट अजम्पशन क्या है, तो फ्लो आपकी कैसी होनी चाहिए, स्टेडी होनी चाहिए। स्टेडी फ्लो के हम के लिए हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ है किस फ्लो को स्टेडी बोलते हैं, जहाँ पे हमारी डिस्चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये सारी चीज़ें जो है, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट होती है। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक्सेलरेटिव इफेक्ट इज नेग्लिजिबल। अब ये एक्सेलरेटिव इफेक्ट क्या है, अब मैं जब आपको बोलूँ कि वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा ज़ीरो। तो अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ग्रेजुअली वैरिड फ्लो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये वैरिड फ्लो है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट नहीं होगा इसका मतलब ये है कि चेंज इन वेलोसिटी होगा, और जब चेंज इन वेलोसिटी होगा तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डीवी बाई डीटी। तो हम लोग इस डीवी बाई डीटी को जो है ना यहाँ पे इग्नोर करके चलेंगे कि मान के चलेंगे यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, अगर हम लोग इसके बाद वाले टर्म के बारे में बात करें तो एनर्जी करेक्शन फैक्टर इज यूनिटी। इसका मतलब ये होता है कि आप जो किसी भी चैनल में एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी या टोटल एनर्जी को जब आप फॉर्मुलेट करते हो, तो इन प्रैक्टिकल वे व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ एनर्जी करेक्शन फैक्टर। तो ये एनर्जी करेक्शन फैक्टर क्या प्रोवाइड करता है, ये एनर्जी करेक्शन फैक्टर हम लोगों को एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करता है, बट हेयर वी आर गोइंग टू कंसिडर इट यूनिटी, हम लोग इसको यूनिट कंसिडर करके चल रहे हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी करेक्शन इन एनर्जी, हम लोग डायरेक्ट उसको यूज़ करेंगे। और रफनेस कोफिशियंट कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब फ्रिक्शनल कॉन्स्टेंट, फ्रिक्शनल वैल्यू एफ जो है वो क्या होने वाला है, वो कांस्टेंट होने वाला है। और इसके बाद अगर हम लोग बोलें चेजीज एंड मैनिंग्स फॉर्मूला विच इज एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्म फ्लो आर एंड आल्सो एप्लीकेबल फॉर दिस टाइप ऑफ फ्लो, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोगों ने चेजीज एंड मैनिंग्स फॉर्मूला डिस्चार्ज के लिए पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं कि आप जो चेजीज और मैनिंग्स फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, क्यू इज इक्वल टू ए वी इंटू अंडर रूट एम आई, ये हम लोगों ने जो पढ़ा था, तो मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि आपकी जो डिस्चार्ज है वी सी इंटू एम आई, मैं यहाँ पे सी छूट गया। तो अगर मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली कब एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे फ्लो क्या हो, यूनिफॉर्म, बट हम लोग इसको क्या कंसिडर करके चल रहे हैं, इसको हम लोग यूनिफॉर्म कंसिडर करके नहीं चल रहे हैं, बट फिर भी हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये इक्वेशन काम करेगा, चेंजिंग एंड मैनिंग इक्वेशन जो है काम करेगा। और चैनल को हम लोगों ने कैसा कंसीडर किया है, प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक का मतलब होता है ये शेप, आप जैसा कि जानते हो
कि कोई भी शेप, इस तरीके का जो शेप होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्मेटिक। अब अलग अलग टाइप की प्रिज्मेटिक होती है, प्रिज्मेटिक शेप होती है, जैसे कि मैं बोलूँ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, अगर मैं बोलूँ पेंटागोनल प्रिज्म, तो अलग अलग टाइप की प्रिज्म होती है, ओगी प्रिज्म भी होती है। तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे जो डेराइवेशन करूँगा, यहाँ पे मैं प्रिज्म को कैसा कंसिडर करूँगा, रेक्टेंगुलर, इसका मतलब कि चैनल का सेक्शन कैसा होने वाला है, रेक्टेंगुलर। सो दिस इज अबाउट अजम्पशन। अब हम लोगों को देखना है अपना डायग्राम, और उसी डायग्राम पे बेस पूरा का पूरा डेराइवेशन है, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी। छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको समझना है, और उन चीज़ों में अगर किसी भी तरह की परेशानी हो, आपको समझ में नहीं आता है, या कोई एक स्टेप है जो आपके आपको जंप कर जाता है, वहाँ पे भी आपके दिमाग में हाइड्रोलिक जंप हो जाता है, तो आपको क्या करना है, उन चीज़ों को फिर से देखना है, फिर से देख के फिर से समझना है। उसके बाद भी अगर चीज़ें क्लियर नहीं होती है, नोट्स बनाना है और आपको पूछना है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को कोई परेशानी होती है आप पूछते नहीं हो, तो वहाँ पे आइडिया नहीं मिल पाता है कि एक्चुअली व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो आपको ये पूछना है, और इसके बारे में फिर हम लोग, अगर किसी तरह की दिक्कत होगी, इफ़ यू विल राइट इन द कमेंट बॉक्स देन आई विल डेफिनेटली रिप्लाई फॉर दैट। तो चलिए बात करते हैं अब अपने डाइग्राम के बारे में। तो डाइग्राम आपके स्क्रीन पे है। अगर मैं इस डाइग्राम के बारे में बात करूँ, तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने ये डायग्राम पहले देखा हुआ है। तो हम लोगों ने ये डायग्राम कब देखा है, जब हम लोग स्पेसिफिक एनर्जी पढ़ रहे थे और टोटल एनर्जी हम लोग पढ़ रहे थे, उस टाइम में हम लोगों ने ये डायग्राम देखा है। तो डायग्राम एक्चुअली है क्या, इस डायग्राम में आप देखोगे मैंने एक्स एक्सिस कंसिडर किया है और मैंने वाई एक्सिस कंसिडर किया है। और एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस आपका बॉटम है, बॉटम है। और आप देखोगे कि आपकी जो बेड है ना, जिस बेड का मतलब होता है जिसके ऊपर वाटर का फ्लो हो रहा है, तो बेड क्या है, बेड एक स्लोप में है। स्लोप की वैल्यू कितनी है, आई बी, मैंने यहाँ लिख दिया आई इंटू, सॉरी दिस इज आई बी। और अगर मैं एनर्जी लाइन की बात करूँ, ये तो हो गई बेड की बात, और अगर मैं वाटर के फ्री सरफेस की बात करूँ, तो वाटर का फ्री सरफेस यहाँ पे है इस तरीके से। और अगर मैं एनर्जी लाइन के बारे में बात करूँ, तो एनर्जी लाइन आपकी कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, दिस इज एनर्जी लाइन, है ना। तो अब आप बोलोगे एनर्जी लाइन ये कहाँ से आ गया, ये क्या नया चीज़ है। सो ये नया चीज़ नहीं है, जब आप पीछे वाले लेक्चर्स को देखोगे तो हम लोगों ने एनर्जी लाइन को भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वहाँ पे हम लोगों ने एनर्जी लाइन को भी डिस्कस किया है। मैं यहाँ पे इंड स्क्रीन में आपको वीडियो के सारे वीडियो के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे मैं एनर्जी लाइन को डिस्कस किया था, जहाँ पे मैं टाइप्स ऑफ फ्लो को डिस्कस किया था। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी, बिकॉज दिस इज़ लास्ट लेक्चर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ हो जा रही है, बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी डायरेक्ट यूज़ होने वाला है, आपने जो पहले देखा हुआ है वही सारी चीज़ें घूम के आ रही है यहाँ पे। तो चलिए अब बात करते हैं इस डायग्राम के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में। आपने ऑलरेडी एनर्जी डायग्राम में देखा हुआ है कि हम लोग जो चैनल के बॉटम से जो बेस लाइन है वहाँ के डेप्थ को हम लोग जेड बोलते हैं, दिस इज़ जेड। और हम लोग जो वाटर की डेप्थ है उसको हम लोग एच बोलते हैं, दिस इज़ एच। और अगर हम लोग जो यहाँ पे जो हम लोगों ने गैप रखा हुआ है टोटल एनर्जी लाइन में, ये किसको बता रहा है, ये एनर्जी ड्यू टू वेलोसिटी को बता रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी के चलते जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, दिस इज़ वी स्क्वायर बाई 2g। तो हम लोगों ने ये डाइग्राम ड्रॉ कर लिया, इस डाइग्राम को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर ये डाइग्राम आपको समझ नहीं आ रहा है देन प्लीज़ आप वो लेक्चर देखें जो इससे पहले हमने इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए, टोटल एनर्जी के लिए, स्पेसिफिक एनर्जी के लिए और स्पेसिफिक एनर्जी कर्व के लिए हमने बनाया हुआ है, आप उसको देखें। सही सारी चीज़ें वहाँ वन बाय वन आपको कंप्लीट डिस्कस की हुई है, आप उसको चेक करोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और अगर आपको क्लियर है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये हमने एक डाइग्राम देख लिया, ये डाइग्राम हमने बनाया है, और इस डाइग्राम के बाद हम लोग अब आते हैं अपने डेराइवेशन पे। तो अगर आप ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के कंडीशन के बारे में बात करो, तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं यहाँ पे अभी दिखा दे रहा हूँ, जो आपको अगली स्लाइड में मिलने वाली है। जेड क्या है, जेड आपको बता आपको पता होगा, डैटम से फ्लो बेड या बेड जो है, बेड बॉटम वहाँ तक की जो डेप्थ है उसको हमने जेड लिखा है। एक डैटम लाइन से जो मैंने स्लोप की जो डेप्थ है ना उसको जेड लिखा है, डेप्थ ऑफ वाटर को मैंने एच लिखा है, और यहाँ पे वेलोसिटी जो है फ्लो की वो वी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भी आपको आगे मिलने वाली है, मैंने यहाँ पे बता दिया। चलिए अब आगे, और हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ छूट गया, मैं इसको अगर बताऊँ आपको, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एनर्जी लाइन जो है,
एनर्जी लाइन जिस एंगल को क्रिएट कर रहा है, इस एंगल को, इस स्लोप को मैंने किससे दिखाया है, आई ई से, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आई ई है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैंने बेड स्लोप के एंगल को किससे दिखाया है, मैंने इसको दिखाया है आई बी से। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ जाती है तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। तो अब आप बोलोगे आई ई और आई बी तो एक ही होगा क्या? आई ई और आई बी एक ही होगा, लेकिन कब, कंडीशन क्या है उसके पीछे। अगर मैं कंडीशन के बारे में बात करूं कि आई ई और आई बी एक ही कब होगा, तो अगर मैं आपको बोलूं कि फ़्लो यूनिफॉर्म है, आप इस चीज़ को ध्यान से समझोगे, फ़्लो यूनिफॉर्म है, तो जब फ़्लो यूनिफॉर्म होगा तो उस कंडीशन में डेप्थ ऑफ वाटर कॉन्स्टेंट होगी इस तरीके से, और जब डेप्थ ऑफ वाटर कॉन्स्टेंट होगी तो यहाँ पर एनर्जी लाइन भी डेप्थ ऑफ वाटर फ्री सर्फेस के पैरल होगा, और उस कंडीशन में आपको दोनों आई ई और आई बी इक्वल मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रेजुअली वैरिड फ्लो हो रहा है, डेप्थ कम हो रहा है, डेप्थ कम होगा तो एनर्जी लाइन वैरी करेगी और यहाँ पे ये दोनों एंगल अलग अलग होगा। अब अगर मैं इस एंगल को डिराइव करने की कोशिश करूँ, मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स बताऊँगा जो आपको समझना है, तो ये टर्म्स अगर समझ आ गया तो आपको सारी चीज़ें क्लियर है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। चलिए मैं टर्म के ऊपर आता हूँ। अगर मैं इस डायरेक्शन में एक वेरिएबल मान लूँ x, है ना, तो आप ये बोलोगे कि ये एंगल क्या है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एंगल जो है, अगर मैं इस डायरेक्शन में x मान रहा हूँ तो x बाई जेड है, मैं ये बोल सकता हूँ, आप ध्यान से समझोगे। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये लाइन y है, ओके, और यहाँ पे कोई लाइन है z, तो मैं अगर आपसे पूछूँ कि ये एंगल कितनी होने वाली है, इस एंगल को अगर मैं आपसे पूछूं तो आप आई इज इक्वल टू क्या बोलोगे, आप आई इज इक्वल टू बोलोगे एच बाई पी। अगर ये एंगल छोटा है तो यहाँ पे हालांकि आई इज इक्वल टू एच बाई पी नहीं होगा, मैं इसको फिर से लिखता हूँ, आप इसको देख लो यहाँ पे पहले। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से एक मैं डाइग्राम इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ, चलिए मैं सबसे पहले टॉप वाले एंगल के बारे में बात करता हूँ। तो टॉप वाले एंगल में आप देख रहे हो ये क्या है, ये मैंने इसको x माना हुआ है, ओके, और इसको मैंने क्या माना है, ये इसको मैंने माना नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो मैं इसको के ई बोल रहा हूँ, एनर्जी है ना ये। तो अगर मैं इस एंगल को डिराइव करने की कोशिश करूँ या इस एंगल को मैं एक्सप्लेन करूँ इस दोनों के बीच में, तो आप ये लिख, या आप ये लिख सकते हो ये डी ई बाई डी एक्स के बराबर होगा, डी ई बाई डी एक्स यानी चेंज इन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के बराबर होगा ये पर्टिकुलर एंगल, यानी आई ई जो है ये इसके बराबर होगा। चलिए मैंने एक छोटे से चीज़ को अभी यहाँ पे क्लियर कर लिया। अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल किसके बराबर होगा, तो ये एंगल आप बोलोगे, अच्छा मैं एक काम और करता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे एंगल आई है, मैंने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ले लिया, ये एंगल भी कितनी होगी, ये एंगल भी आई बी होगी, और मैं अगर आपसे ये आई बी एंगल पूछूं, तो आप ये आई बी एंगल कब बन रहा है, एक्स और जेड के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो ये एक्स है और यहाँ पे चेंजेस हो रहा है जेड में, तो आप बोल सकते हो डी जेड बाई डी एक्स, ये यहाँ पे क्या होने वाला है, ये होने वाला है यहाँ पे आई बी, ये मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे आप ये चीज़ें समझ लो। और अगर मैं चेंज इन डेप्थ की बात करूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या है डी एच बाई डी एक्स, ओके। तो ये चीज़ें अगर अभी बहुत ज़्यादा समझ नहीं आई, मैं आगे चलूँ बस चीज़ें समझ आ जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने ले लिया, चूँकि आगे ज़रूरत पड़ने वाला है सब, ये सब चीज़ हम लोगों को आगे डिराइवेशन में काम आने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं अपने ये सारे टर्म्स को। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जेड क्या है, हाइट ऑफ बॉटम ऑफ द चैनल अबव द डेटम, एच क्या है डेप्थ ऑफ फ्लो, V मीन वेलोसिटी, आई बी स्लोप ऑफ द चैनल बेड, आई ई क्या है स्लोप ऑफ द एनर्जी लाइन, B क्या है विड्थ ऑफ चैनल, और Q क्या है डिस्चार्ज। तो ये सारे टर्म हमने पहले से, कोई टर्म नया नहीं है, हम लोगों ने पढ़ पढ़ के सारे टर्म्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है, तो नया कुछ भी नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि डेराइवेशन हुआ कैसे है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि टोटल एनर्जी, तो आप बोलोगे सर z प्लस एच प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी। जेड किसके चलते, जो डैटम की जो चेंजेस है उसके चलते, h किसके चलते, हाइट ऑफ वाटर के चलते यानी डेप्थ ऑफ वाटर के चलते, वी स्क्वायर बाई टू जी क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है।
तो ये हम लोगों ने टोटल एनर्जी लिख दिया। और अगर मैं आपको बोलता स्पेसिफिक एनर्जी, तो आपको क्या करना था, जेड को हटा देना था, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। अगर मैं इस पूरे एनर्जी को, आप ध्यान से देखोगे, मैं इस पूरे एनर्जी को डिराइव करूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, मैं ये बोलूं कि चैनल में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो बेड के रिस्पेक्ट में एक लाइन है एक्स, है ना, यानी कि एक लेंथ है एक्स। चलिए मैं थोड़ा डायग्राम में दिखा देता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस बेड के रिस्पेक्ट में, बेड कौन सा है भाई, बेड ये है, और इस रिस्पेक्ट में मैं बोलूँ कि एक्स एक लेंथ है और इसके रिस्पेक्ट में मैं डिराइव करूँ, तो इसके रिस्पेक्ट में मैं डिराइव करूँगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है डी बाई डी एक्स, इधर डी जेड बाई डी एक्स। चलिए मैं थोड़ा सा इसमें इसको थोड़ा मैं नोट डाउन करता हूँ। जेड को मैंने डिराइव किया डी जेड बाई डी एक्स, एच को मैंने किया डी एच बाई डी एक्स, और वी स्क्वायर बाई टू जी। अब वी स्क्वायर बाई टू जी को मैं अगर डिराइव करूँ, यहाँ पे सारा का सारा प्रॉब्लम आता है, मुझे इसको अच्छे से समझना है, तो मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ वी स्क्वायर बाई टू जी। अब आप जानते हो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हो क्यू इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, ये जानते हो। तो अगर आपसे पूछूं वी इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे सर क्यू बाई ए होगा, है ना, क्यू बाई ए होगा। तो चलिए मैंने वी इज इक्वल टू क्यू बाई ए कर दिया, और चूंकि v का स्क्वायर है इसीलिए मैंने क्या किया q का स्क्वायर इंटू ए का डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर। तो अब मैं क्या किया, इस v स्क्वायर के जगह मैंने इस q बाई ए को पुट कर दिया, तो मुझे क्या लिखना है q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू टू जी। इस पर्टिकुलर टर्म को मैं ये लिख सकता हूँ, अब मैं इस पर्टिकुलर टर्म को ये लिख सकता हूँ। अब आप देखोगे कि यहाँ पे कौन कौन सा टर्म कॉन्स्टेंट है, तो आप देखोगे q कॉन्स्टेंट है, मैंने q बाहर निकाल दिया, और मैं एरिया को लिख सकता हूँ, एरिया इज इक्वल टू होता है बी इंटू एच, यानी बी जो है बेड और एच क्या है डेप्थ, बी इंटू एच, तो एरिया का स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एच स्क्वायर। तो बी कॉन्स्टेंट है, मैंने बी स्क्वायर बाहर निकाल दिया, जी कॉन्स्टेंट है, मैंने जी को बाहर निकाल दिया, टू बी कॉन्स्टेंट है, मैंने टू को ही बाहर निकाल दिया। एच कॉन्स्टेंट है क्या, एच कॉन्स्टेंट नहीं है, चूँकि मुझे क्या कैलकुलेट करना है, चेंज इन हाइट, सॉरी चेंज इन डेप्थ ऑफ फ्लूड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यही कैलकुलेट करना है। चलिए मैं पीछे वाले स्लाइड में देखता हूँ, मुझे आप यहाँ पे देखोगे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे इस डेप्थ में चेंजेस को कैलकुलेट करना है, मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना है डी एच बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये है, अगर मैं बोलूँ डी एच बाई डी एक्स जो है वो ज़ीरो है, इसका मतलब क्या होगा, फ्लो यूनिफॉर्म होगा, इसमें कितना भी मूव कर लो हाइट चेंज नहीं हो रहा है, इस टर्म का तो यही मतलब है ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये ग्रेटर है, ग्रेटर देन ज़ीरो है या पॉजिटिव है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि यहाँ की हाइट अगर 10 है तो यहाँ की हाइट कितनी होगी 11, 12, यानी ज़्यादा होगी, हाइट में क्या हो रहा है पॉजिटिव चेंज हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि ये टर्म जो है ये नेगेटिव है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे नेगेटिव चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर डेप्थ 10 थी तो यहाँ आने के बाद ये 9, 8, 7, 6, 5 कुछ भी हो कम होगी। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे डी एच बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, क्योंकि जब आप चेंज इन हाइट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लेते हो, तो आप ये बता पाओगे कि डेप्थ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। और अगर डेप्थ बदल रहा है तो फ्लो क्या है, ग्रेजुअली वैरिड फ्लो है, और डेप्थ नहीं बदल रहा है सो इट इज़ नॉट ग्रेजुअली वैरिड फ्लो, ये क्या है यूनिफॉर्म फ्लो है। तो अब हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है, इसीलिए हम लोग इतना सारा ऑपरेशन कर रहे हैं। चलिए अब आप यहाँ पे देख सकते हो, और आप एक चीज़ देखोगे, मुझे h कैलकुलेट करना है इसीलिए मैंने h को अंदर रहने दिया और h को मैंने डिराइव कर दिया। तो h को जब आप डिराइव करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या लिखोगे, माइनस टू बाई एच क्यूब इंटू डी एच बाई डी एक्स, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट होगी, ये टू कैंसिल, ये टू कैंसिल। अब आप यहाँ लिखोगे माइनस क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू एच, एच क्यूब होने वाला है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक ये मिस्टेक है, यहाँ पे ये एच क्यूब होगा, एच क्यूब इंटू, सॉरी एच क्यूब यहाँ पे मैंने गलत बताया, यहाँ पे एच क्यूब नहीं होगा, मैंने एच को अलग अलग लिख दिया है, एच स्क्वायर इंटू एच, ये तो एच क्यूब ही होगा ना, तो बी एच बी स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू जी एच इंटू डी एच बाई डी एक्स। अब आप जानते हो कि बी स्क्वायर बी एच क्या होता है, आप जानते हो बी एच इज इक्वल टू एरिया होता है, और आप जानते हो कि क्यू बाई ए क्या होता है, क्यू बाई ए इज इक्वल टू वी होता है। तो मैंने
बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एरिया का स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर बाई क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया माइनस बी स्क्वायर बाई जी एच इंटू डी एच बाई डी एक्स। ये क्या आ गया, ये इसका वैल्यू आ गया। और जब इसका वैल्यू आ गया तो मैं इस वाले टर्म को कहाँ पुट कर सकता हूँ, मैं इस वाले टर्म को यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो चलिए अगले वाले स्लाइड में हम लोग इस टर्म को यहाँ पे पुट कर देते हैं। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने क्या किया, डी ई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एच बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स प्लस डी एच बाई डी एक्स माइनस डी वी स्क्वायर बाई जी एच इंटू डी एच बाई डी एक्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि ये डी एच बाई डी एक्स कॉमन है दोनों में, है ना। तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, डी एच बाई डी एक्स वन माइनस वी स्क्वायर बाई जी एच हो जाएगा। ओके, और आप जानते हो v बाई अंडर रूट जी एच क्या होता है, इट इज़ फ्रॉड नंबर, है ना, फ्रॉड नंबर है। तो अगर मैं इसको लिख रहा हूँ फ्रॉड नंबर, और अगर आप इस फ्रॉड नंबर का स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा, वी स्क्वायर बाई रूट हट जाएगा, वी स्क्वायर बाई जी एच। तो मैं यहाँ पे वी स्क्वायर बाई जी एच को फ्रॉड नंबर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो मैंने वही किया है, ये लेटर ऑन मैंने किया है। मैं यहाँ पे क्या किया कि अब यहाँ पे मैंने डी ई बाई डी एक्स को मैंने क्या पुट कर दिया, माइनस आई ई, डी जेड बाई डी एक्स को मैंने क्या पुट कर दिया, माइनस आई बी। अब ये आई ई और आई बी क्या है, मैंने अभी डिस्कस किया है, फिर भी मैं एक बार फिर से डिस्कस करता हूँ, चूँकि ये जरूरी, यही ज़रूरी है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये समझना ज़रूरी है। बाकी तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन है, उसी के अकॉर्डिंग तेरा ही हो जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने पीछे वाले स्लाइड में और बात करते हैं पहले इस टर्म के बारे में फिर से। तो आप यहाँ पे बोल रहे हो, ये बोल रहे हो कि मैंने इस डायरेक्शन में माना है x, और मैंने x के रिस्पेक्ट में मैंने सबको क्या किया, डिराइव कर दिया, सबको मैंने अलग अलग डिराइव कर दिया। तो जब मैं बोलूँ डी ई बाई डी एक्स, ओके डी ई बाई डी एक्स, मैं ये बोल रहा हूँ ना, तो डी ई बाई डी एक्स क्या होगा, डी ई बाई डी एक्स की अगर मैं बात करूं तो आप ये बोलोगे कि ये एनर्जी लाइन के लिए एंगल की वैल्यू है। क्यों, क्योंकि एनर्जी लाइन ही तो ई को बता रहा है ना, ये ई को कौन बता रहा है, ई को बता रहा है एनर्जी लाइन, और इस एनर्जी लाइन को मैंने क्या किया, इस एक्स के रिस्पेक्ट में मैंने डिराइव कर दिया। यानी कि ये एक्सिस को मैंने माना एक्स, और ये एक्सिस को जब मैंने माना एक्स और ये एनर्जी लाइन की वैल्यू है, तो मैंने जब लिखा डी ई बाई डी एक्स यानी चेंज इन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये मैंने क्या लिखा, आई। ओके, चलिए मैं इसको एक ट्रायंगल के फॉर्म में समझ लेता हूँ। आपने इस तरीके का एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, और ट्रायंगल में मैंने माना कि ये एंगल की वैल्यू कितनी है, आई, और यहाँ पे ये साइड की वैल्यू कितनी है, ये साइड की वैल्यू है ई। ओके, और अगर मैं बोलूँ कि इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स, तो अगर आप बोलोगे ये कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे जिसके वजह से वीडियो पॉज हो गया, तो अगर आप बात करोगे, हाँ हम लोग यहाँ बात कर रहे थे इस पर्टिकुलर साइट के बारे में, तो मैंने इसको क्या बताया, मैंने इसको x बताया, और एनर्जी कितनी चेंज हो रही है, यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रही है। तो अगर आप इस स्लोप की वैल्यू लिखना चाहोगे तो आप यहाँ पे एक ट्रायंगल से समझ सकते हो कि आप देख रहे हो कि एनर्जी चेंजेस ये हो रही है, और एनर्जी चेंजेस ये होने के साथ साथ x डायरेक्शन में डिस्टेंस ये मूव हो रहा है। तो आप यहाँ i को अगर डिफाइन करोगे तो i को लिखोगे e बाई एक्स, है ना। तो ये तो हो गई बेसिक सी इन्फॉर्मेशन, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे समझे तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे आई ई इज इक्वल टू क्या होने वाला है, डी ई बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड इन टर्म्स ऑफ दिस एक्स डायरेक्शनल मूवमेंट, है ना। तो यहाँ पे ये एक्स होने वाली है, तो मैं लिख सकता हूँ आई ई इज इक्वल टू डी ई बाई डी एक्स। वैसे ही अगर मैं बात करूँ बेड में, बेड के बारे में, तो बेड में आप कितने की चेंजेस देख रहे हो, एक्स जेड की चेंजेस देख रहे हो, और यहाँ पे भी एक्स आपको मूवमेंट है, एक्स मैंने कंसिडर किया है, तो आप यहाँ लिखोगे डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू आई बी, आई बी। लेकिन ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें
कि आप पिछले स्लाइड में आपने यहाँ पे देखा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है dE बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस आई और dZ बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस आई भी। तो अब ये माइनस साइन कहाँ से आ गया, इस चीज़ को हम लोगों को यहाँ पे देखना है। अगर मैं बोलता कि एनर्जी लाइन की मूवमेंट इधर है, तो इस एंगल को हम लोग क्या लिखते हैं, पॉजिटिव, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि एनर्जी लाइन की मूवमेंट किधर है, नेगेटिव है, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है माइनस आई। वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप ये देखोगे एक्स के रिस्पेक्ट में ये मूवमेंट किधर है, डाउनवर्ड है, इस तरीके से इस डायरेक्शन में है, तो इसीलिए मैंने इसको माना है माइनस आई बी। तो जब यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये पॉजिटिव एंगल क्रिएट नहीं हो रहा है, नेगेटिव एंगल क्रिएट हो रहा है, इसीलिए मैंने आई ई और आई बी यहाँ पे ये दोनों टर्म को मैंने लिख दिया। और आप ये भी समझ सकते हो इससे, ये जो चीज़ें हैं आप उसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि आपके लिए जो वैल्यू है ना एनर्जी की, वो क्या होने जा हो रही है, यहाँ से यहाँ आप जाओगे तो ये एनर्जी की वैल्यू डाउन हो रही है, और अगर आप यहाँ से यहाँ जाओगे डेप्थ के टर्म में तो आपको जो चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस, चेंज इन जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, ये भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसीलिए हमने इसको माना है माइनस आई बी और माइनस आई ई। तो अब इस माइनस आई ई और माइनस आई बी को हम लोगों को कहाँ पुट करना है, हम लोगों को पुट करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने डी ई बाई डी एक्स की जगह माइनस आई और डी जेड बाई डी एक्स की जगह मैंने माइनस आई बी मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, और इस टर्म को मैंने ऐसे ही सेम एज इट इज़ छोड़ दिया। और अब जब आप इस माइनस आई बी को इधर ले जाओगे तो ये प्लस आई बी हो जाएगा, और आई बी माइनस आई ई इज इक्वल टू डी एच बाई डी एक्स अंडर रू अंडर ब्रैकेट 1 माइनस v² / gh। तो मैं जब इसको सॉल्व करूँगा, और मैंने अभी अभी बताया कि यहाँ पे v² / gh होता है Fe का स्क्वायर, तो मैंने v² / gh की जगह Fe का स्क्वायर पुट कर दिया, और आपके पास आ गया एक इक्वेशन आई बी माइनस आई ई बाई 1 - Fe का स्क्वायर क्या बताएगा, dh/dx, यानी चेंज इन हाइट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन, विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स डिस्टेंस मूव्ड। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब मुझे बात करना है कि ये अगर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, जिसके बारे में हमने पहले बात कर लिया। तो अगर dh/dx 0 है, इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म है, कोई भी सब फ्लो का डेप्थ कांस्टेंट है और पैरेलल है। अगर मैं बोलूँ dh/dx पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब क्या है कि पहले डेप्थ यहाँ पे कम था और बाद में डेप्थ क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो इस कंडीशन में मुझे क्या कहना है, इस कंडीशन में मुझे कहना है कि बैक वाटर कर्व बन रहा है। किस तरीके का कर्व बन रहा है, वाटर फ्लो की अगर मैं प्रोफाइल की बात करूँ तो बैक वाटर कर्व बन रहा है, और अगर dh/dx नेगेटिव है तो मैं क्या बोलूँ, ड्रॉप डाउन कर्व बन रहा है। तो मुझे यहाँ से ये मालूम हो जाएगा कि फ्लो किस तरह की है। फ्लो आइदर इट इज़ क्रिटिक, आइदर इट इज़ यूनिफॉर्म, इधर इट इज़ वैरिड। अगर ये वैरिड है तो ग्रेजुअली वैरिड फ्लो में ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसका मतलब ये कि बैक वाटर कर्व बनेगा कि आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर्व बनेगा। तो अब ज़रूरी है कि इसके ऊपर हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल करने से क्या होता है कि जो भी फॉर्मूला हमने डिराइव किया है उसको कहाँ यूज़ करना है ये चीज़ क्लियर हो जाती है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल के ऊपर हम लोग चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो आप देखोगे क्वेश्चन में क्या है, क्या क्या गिवन है, मैं उसके बारे में थोड़ा पहले बात कर लेता हूँ। फाइंड द स्लोप ऑफ द फ्री वाटर सरफेस, फाइंड द स्लोप ऑफ द फ्री वाटर सरफेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ विड्थ 20 मीटर। चलिए बी मिल गया, कितना मिल गया बी, 20 मीटर, है ना। और अगर मैं आगे बात करूँ, हैविंग डेप्थ ऑफ फ्लो कितना है, 5। तो चलिए बी भी मिल गया और इसके साथ साथ मुझे डी भी मिल गया, यानी मैं एच भी बोल सकता हूँ, ये भी मिल गया। और अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आप देखोगे डिस्चार्ज कितना है, 50 m³/s, यानी कि हम लोगों को क्यू भी मिल गया। तो क्यू भी मिल गया, एच भी मिल गया, डी भी मिल गया, ये तीन चीज़ें हम लोगों को मिल गई। इसके बाद दिया हुआ है द बेड ऑफ द चैनल इज़ 1 in 4000, यानी आई कितना दिया हुआ है, 1 in 4000। तो ये कौन सा आई दिया हुआ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने दो आई पढ़ लिया, एक को आई बी और एक को आई ई।
तो ये कौन सा आई है, ये बेड के लिए दिया हुआ है, तो दिस इज आई बी हम लोगों को मालूम चल गया, और चेजीज कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी है 60। तो अब आप इन सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो मुझे मालूम है, मैं इसको क्या करता हूँ ना, किनारे में साइड में नोट डाउन कर देता हूँ और अगले स्लाइड में चलता हूँ। चलिए, मुझे क्या क्या मालूम है, मुझे मालूम है बी, मुझे मालूम है डी, मुझे मालूम है क्यू, मुझे मालूम है सी, मुझे मालूम है आई बी, और कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है मुझे आई ई इज इक्वल टू व्हाट, यही निकालना है। तो चलिए अब इधर हम लोग अपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे और मालूम होनी चाहिए। तो आप जब पिछले वाले स्लाइड पे चलोगे, और मुझे साथ ही साथ ये भी बोला गया है आई ई के साथ साथ स्लोप ऑफ द वाटर निकालना है, यानी कि डी एच बाई डी एक्स भी निकालना है। एक चीज़ यहाँ छूट गया था, मुझे डी एच बाई डी एक्स भी निकालना है। तो डी एच बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, पहले उस बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए अपने पिछले वाले स्लाइड में चलते हैं। आप यहाँ पे देखोगे, मुझे आई बी मालूम है, आई ई मालूम नहीं है, वी मालूम नहीं है जो कि निकल जाएगा, चूँकि क्यू मालूम है तो वी तो निकल जाएगा ना, जी एच जी मालूम है, एच मालूम है, एच के बारे में भी परेशानी नहीं है। तो मुझे परेशानी किस बात से है, सिर्फ ये आई ई नहीं है, तो आई ई सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम लोगों को कैसे करना है। आप देख सकते हो मुझे क्या क्या मालूम था, मैंने अभी डिस्कस किया, मुझे मालूम था बेड 20 मीटर, एच 5 मीटर, क्यू 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड, आई बी 4000 1 in 4000, यानी मैं इसको अगर आई बी कैलकुलेट करूँ तो 0.0025, सी की वैल्यू 60, और अगर मैं बोलूँ क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज़ वेलोसिटी इंटू एरिया। तो अब जब मैं इसको निकालता हूँ क्यू, तो मैं क्यू इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ सी ए इंटू सी अंडर रूट एम आई, इस तरीके से। ये कौन सा इक्वेशन है, ये चेजीज इक्वेशन है, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं एरिया की बात करूँ, तो एरिया आप निकाल लोगे बी इंटू एच इज इक्वल टू कितना, 100 मीटर स्क्वायर। अगर आप हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, यहाँ पे एम भी आ रहा है, तो अगर आप एम को निकालोगे तो लिखोगे एरिया बाई पेरीमीटर, एरिया मैंने अभी भी कैलकुलेट किया, और पेरीमीटर कितनी होगी, बी प्लस टू एच, यानी यहाँ से यहाँ बेस बी और इधर में हाइट एच और इधर में हाइट एच, तो बी प्लस टू एच। तो मैंने, मुझे बी भी मालूम है, मुझे एच भी मालूम है, तो मैंने पेरीमीटर भी कैलकुलेट कर लिया, सॉरी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ मैंने कैलकुलेट कर लिया। और मैं यहाँ पे अगर आई की बात करूँ, तो ये किस आई को बताएगा, ऑब्वियसली आप कभी भी किसी भी चेजीज इक्वेशन को अगर आप इस्तेमाल करते हो, तो आपको वहाँ जो आई गिवन होता है वो एनर्जी स्लोप की वैल्यू गिवन वहाँ पे आपको गिवन होती है, या अगर इनका कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, आई ई। तो अब आप जानते हो, आप चेजीज इक्वेशन से क्या जानते हो, आप चेजीज इक्वेशन से ये जानते हो कि Q इज इक्वल टू ए सी एम आई, है ना। तो A मैंने कैलकुलेट किया, C मैंने कैलकुलेट किया, C ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, मैंने M कैलकुलेट किया, और I मुझे यहाँ से मिल जाएगा। तो जब आप सॉल्व करोगे तो I की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0.4 × 0.2008। और अगर आप डी एच बाई डी एक्स कैलकुलेट करना चाहते हो, आई बी माइनस आई वन बाई बी स्क्वायर माइनस जी एच, तो सारे वैल्यूज़ को मैंने पुट कर दिया, और सारे वैल्यूज़ को जब मैं पुट करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाता है, मुझे मिल जाता है, और हाँ वेलोसिटी तो मालूम नहीं था ना, तो इट इज़ क्यू बाई एरिया, क्यू भी मालूम है, एरिया भी मालूम है, वेलोसिटी भी निकल गया। और जब सारे वैल्यू को मैं निकालूंगा, तो यहाँ मुझे मिलने वाला है डी एच बाई डी एक्स, यानी चेंज कितनी है, आप देखोगे चेंज क्या है, जीरो से ज़्यादा है, चेंज जीरो से ज़्यादा है। अब चेंज जब जीरो से ज़्यादा है, उस कंडीशन में क्या होने वाला है, आपका फ्लो ऊपर जाने वाला है, ओके। तो यहाँ पे ये क्या होने वाला है, ये ग्रेजुअली वैरिड फ्लो वन होने वाला है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया ग्रेजुअली वैरिड फ्लो के डेरिवेशन के बारे में, और इसके अलावा हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल किया। अगर आप पीछे के क्वेश्चन, पीछे के कंसेप्ट को अगर आप देखोगे, तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है, मैं वो बता दूं, आपको इस डायग्राम को ध्यान में रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे आई ई की वैल्यू जो है
वो हमेशा क्या होगी, एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मैंने लिखा, और अगर मैं डैटम की बात करूँ तो मैंने डैटम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मैंने लिखा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, और ध्यान में रखने के बाद आप इसको डिराइव कर सकते हो। डेराइवेशन के लिए आपको कुछ करना नहीं होता, सिर्फ एक एनर्जी इक्वेशन लेने के बाद आप पूरे इक्वेशन को कंटिन्यू करोगे। जब आप एग्ज़ाम में जाते हो तो होता क्या है, एग्ज़ाम में जाते हो तो कभी कभी क्या होता है कि आप चीज़ें आपको याद होती है, लेकिन आप स्टार्ट जो स्टार्ट होता है ना वो भूल जाते हो। स्टार्ट जहाँ अगर आप भूलते हो तो सारी चीज़ें आप समझो, आप समझ लो कि आपको याद आने वाली नहीं है फिर। तो आपको हमेशा जो किसी भी डेरिवेशन का स्टार्ट कैसे हो रहा है, आपको उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने इसे टोटल एनर्जी से स्टार्ट किया, इसके बाद मैंने इसको डेराइव किया, डेराइव करने के बाद नंबर ऑफ इक्वेशंस आपको मिले, नंबर ऑफ इक्वेशंस के बाद मैंने अलग अलग वैल्यूज़ को पुट कर दिया। और कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, फ्रॉड नंबर के बारे में हम लोगों ने बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो बर्नौलीज इक्वेशन आपको इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एक डेराइवेशन में याद रखनी होती है। डेराइवेशन अगर आपसे एग्जाम में आता है तो यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द थिंग्स कि आपने डेराइव कहाँ से करना है, आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए, अच्छे से डायग्राम बनाओगे, अच्छे से चीज़ें लिखोगे तो आपको कभी भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, एंड यू विल बी एबल टू डेराइव एनी फॉर्मूला, यू विल बी एबल टू रिमेंबर एटलीस्ट, है ना। और जब आप डेराइवेशन के लास्ट में जाते हो तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, एज आई हैव रिटन हियर। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम लोगों ने ओपन चैनल फ्लो को आज ख़त्म कर लिया है। ओपन चैनल फ्लो में JUT रांची के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हमें पढ़नी थी वो सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके अलावा आपको अगर और भी नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो आप RK बंसल की बुक ले सकते हो या कोई भी रेफरेंस बुक जो आपके पास है आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जहाँ तक रही बात कंसेप्ट की, तो आपको कंसेप्ट के लिए क्या करना है, आपको जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स है उस टॉपिक्स के डेराइवेशन, उस टॉपिक्स के छोटी छोटी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना है, मेमोराइज करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है ओपन चैनल फ्लो में या पाइप फ्लो में जिसे मैंने नहीं पढ़ाया या जो आपके सिलेबस में बेसिकली नहीं थी। तो उन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है कि आप जब लेक्चर्स ख़त्म हो जाएं, मैंने पूरा जब सिलेबस मुझे ख़त्म कराने के बाद मुझे जब अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, तो उसमें क्या करूंगा, उसमें वो सारी चीज़ें मैं ऐड कर दूंगा। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से कमांड करने के लिए आपको हर एक चीज़, हर एक पॉइंट को, हर एक डिफरेंट थिंग्स जो उसमें वहाँ पे होती है उन चीज़ों को क्लियर करना है। और अगर आप किसी भी लोअर लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर आप अटेम्प्ट करते हो, आप अगर SSC के सिलेबस को उठाओगे, आप अगर उठाओगे JEE के स्टेट JEE के सिलेबस को, तो आपको वहाँ पे कंटेंट बहुत ज़्यादा टफ नहीं मिलता। आपको जो कंटेंट होता है वो छोटा छोटा कंटेंट होता है, इसी तरीके का डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि आपको बैक वाटर कर्व किस कंडीशन में मिलेगा। तो ये सारी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं उन क्वेश्चंस के ऊपर भी आऊँगा। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी है, और इसके साथ साथ आप लोगों को चैनल पे बने रहना है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड, और प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन पर्पस। आज के लिए इतना ही, कल के क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लूड मशीनरीज़, और हम लोग फ्लूड मशीनरीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, सिलेबस देखेंगे क्या क्या टॉपिक पढ़नी है हम लोगों को, उस बारे में हम लोग कल से बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।